नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। मैं हालांकि वीडियो कल नहीं डाल पाया था, थोड़ा बाहर गया था इसलिए, लेकिन आज बैंक निफ्टी ने फर्स्ट हाफ में कोई अच्छी खासी मूव दी नहीं हमको। बाद में ये हमें ब्रेकआउट मिला और बाद में एक छोटी सी, हम कह सकते हैं 200 पॉइंट की यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूव मिली। लेकिन बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो तभी बताया था वो पैटर्न हमें मिला डबल बॉटम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले के वीडियो में भी ये बताया था कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न हमें ब्रेक करते हुए मिलता है तो हम उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। ये 15 मिनट में भी दिखा था और ये 5 मिनट के चार्ट में भी आपको दिखता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको वहाँ पर भी दिखा दूँ। देखिए, डबल बॉटम है ये, और आप यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन भी खींचते तो भी चलता है यहाँ पे ऐसे ऐसे सपोर्ट लेके। लेकिन वो ट्रेंड लाइन का ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ले जाऊँगा। आपने यहाँ पे ट्रेड लाइन खींच ली, ठीक है, तो जब मार्केट डाउन आएगा और उसको ब्रेक करेगा तभी आपको ये ट्रेड लाइन काम आएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी नो डाउट आपको जो यहाँ पे बनी, आपने ड्रॉ करके रखी, अगर यहाँ से ही कोई रिवर्सल आता तो आपको काम लगती, लेकिन वो अभी कुछ काम की नहीं है। यहाँ पे आप अच्छा खासा डबल बॉटम बना था और मार्केट ने वो निकलाइन को ब्रेक करके एक रिटेस्ट लेके भी एक अच्छा खासा अपर मूव हमें देखने को मिला। हमने यहाँ पे 200 पॉइंट की एक अच्छी खासी मूव हमने यहाँ पर कैप्चर की। अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो में कहा था, अभी न्यूज़ जो आ रही है अमेरिका की, ये वो, उसके हिसाब से मार्केट अभी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि बेरिश मोमेंटम में था। ठीक है, लेकिन आप देखिए कंटिन्यू मार्केट, जस्ट अ सेकंड, यहाँ से आप देखिए, जब भी मार्केट ये 13 तारीख को यहाँ से गिरा, ठीक है, मार्केट ने कभी भी इस लेवल को यहाँ से फिर से ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, लेकिन इस बार मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया। अगर कल मार्केट, जस्ट अ सेकंड गाइस, इसी रेंज में था, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर तक आया नहीं, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था 2-3 दिनों से लास्ट के, मार्केट ने अभी ये लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक किया है यहाँ पे, तो अगर बैंक निफ्टी 40,000 को ब्रेक करती ऊपर की ओर, तो मैं 40,200 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे की ओर हम बात करें तो ये जो पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है यहाँ पर 39,600 के यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर भी है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको एक लेवल दे देता हूँ, 39,600 से लेके 39,643 तक का जो ये सपोर्ट पूरा का पूरा जोन है, अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक करते हैं तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 39,362 तक का। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर, या थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद, अगर 40,000 को रिटेस्ट करके यहाँ पे कोई ऐसी बेरिश कैंडल बना के नीचे आके फिर से रिटेस्ट करके अगर मार्केट नीचे आता है तो हम एक कंफर्म कंफर्म ट्रेड के साथ एक पुट बाय कर सकते हैं। या आपको अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये स्विंग भी ब्रेक करते हैं तो आप एक छोटी सी स्केल्पिंग टाइप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है तो मैं रिटेस्ट का क्यों कह रहा हूँ, मार्केट गिरने को तो रिटेस्ट किए बिना ही गिर जाता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा जो राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे हाई ओपन इंटरेस्ट होने की वजह से अगर मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर आएगा और बाद में आपको यहाँ पे नचाएगा थोड़ी देर, ठीक है, बाद में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर रिटेस्ट हमें मिलता है यहाँ पे अच्छा खासा ऐसा रिटेस्ट करके फिर इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम अच्छी खासी हमें यहाँ पर मूव देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो रिटेस्ट वाले ट्रेड होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में।
निफ्टी ने भी आज फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी मूवमेंट हमें दी नहीं, और बाद में स्लोली स्लोली बैंक निफ्टी की वजह से हम कह सकते हैं कि स्लोली स्लोली चढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ तभी मैंने हमने बैंक निफ्टी में कॉल बाय किया हुआ था, मैंने प्रीमियम मेरा जो ग्रुप है उसमें भी दिया था, लेकिन स्लोली स्लोली मोमेंटम आ रहा था निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन अगर निफ्टी भी थोड़ा सपोर्ट देती तो और ज़्यादा बैंक निफ्टी मूव हमें मिल सकती थी, लेकिन इट्स ओके, आज की बात खत्म, मार्केट भी खत्म हो गया है। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, अगर निफ्टी 70,146 को ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की ओर 70,213 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, उसके आगे आप पिवट पॉइंट के हिसाब से अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं, मैंने पिवट पॉइंट का वीडियो डाला हुआ है आप चेक कर लेना, वरना मैं पीछे वीडियो के एंड में वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा, लेकिन ये छोटा सा टारगेट है, इतना बड़ा भी टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट का टारगेट है। नीचे की ओर अगर बात करें, ठीक है, नीचे की ओर अगर बात करें तो आज का लो ब्रेक होता है तो हमें 60,919 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ से कोई हमें रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो हम एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।